दोस्तों आज मैंने मंगाया है कोडेक T210 ट्राइपॉड और यहाँ मैंने सैनिटाइज कर लिया है बॉक्स को भी, कैची को भी और अपने हाथों को भी। और यहाँ पर मैं खोल रहा हूँ बहुत ही सावधानी से, क्योंकि इस समय कोरोना चल ही रहा है और बाहर से आने वाली हर चीज़ पे कोई ना कोई खतरा ज़रूर रहता है। तो देखते हैं कोडेक T210 ट्राइपॉड कैसा निकलता है। इस वीडियो में इसके बारे में बड़ी बारीकी से बताऊंगा, क्योंकि आपने काफ़ी सारी वीडियो देखी होंगी लेकिन आपको हर चीज़ सही से नहीं बताई जाती। यहाँ पर मैं आपको, थोड़ा सा वीडियो लंबी होगी लेकिन आपको फुल नॉलेज इस वीडियो में मिल जाएगी। तो T210 ट्राइपॉड है, वैसे कोडेक का T215 भी आता है, 220 भी आता है। जितना ऊपर बढ़ते जाएंगे थोड़ा थोड़ा रेट बढ़ता चला जाएगा। तो अगर 3.5 किलो तक का वजन आपको इसके ऊपर रखना है तो ये ट्राइपॉड प्रोफेशनली काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। कोडेक कंपनी का ओरिजिनल है और ये किस किस चीज़ों से बना हुआ है, क्या क्या मटेरियल यूज हुआ है, इस वीडियो में आपको कंप्लीट नॉलेज मिल जाएगी। वैसे इससे पहले मैं 350 का ही ट्राईपॉड यूज करता था, वाइट वाला, लेकिन काफ़ी सारे उसके जो पोर हैं वो टूट गए थे, लूज हो गए हैं। ये देखिए, इसके साथ मोबाइल होल्डर मिलता है। कोडेक का यही वाला ट्राईपॉड है 210 जिसके साथ मोबाइल होल्डर मिलता है, वरना किसी के साथ भी मोबाइल होल्डर नहीं मिलता। कोडेक के अन्य जो और वेराइटी है उसके साथ भी नहीं मिलता। और इसको अलग से खरीदेंगे तो कम से कम 180 से 200 रुपये का आएगा। ये एक बैग दिया गया है कोडक की तरफ से, ताकि आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो इसको आसानी से टांग सकते हैं। बहुत हल्का नहीं है, मजबूत है और कोडक का इस पे लोगो भी लगा हुआ है। इस ट्राइपॉड की एक खास बात है इसके पैर मोमेंट वाले हैं, रबड़ के, हैवी रबड़ है, मोमेंट वाले हैं। ये किसी भी सरफेस पे या समतल ज़मीन पे आसानी से बैठ जाता है। कहीं बाहर आप खेत में, पहाड़ पे, कहीं भी शूटिंग कर रहे हैं तो ये पैर एडजस्ट हो जाते हैं। ये एक खास चीज़ है इस ट्राइपॉड की, और किसी ट्राइपॉड में मुझे ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। इसके लिए भी मैंने इसको मंगाया है और यहाँ पर मैं खुद अब इसे देख के काफ़ी अपने डिसीजन को सही मान रहा हूँ। तो इसके हर एक पार्ट्स में क्या क्या चीज़ यूज हुए हैं, जो इसके लॉक हैं वो किस चीज़ के बने हैं, जो इसका ट्राइपॉड का जो पार्ट है वो किस किस चीज़ों का बना हुआ है, कैसे कैसे यूज होता है, इस वीडियो में आप देखेंगे। वीडियो थोड़ी सी लंबी है, मैं आपको बता दे रहा हूँ पहले ही, लेकिन वीडियो में मैंने हर एक चीज़ बताई है, दिखाई है, कैमरा लगा के भी दिखाया है, सब चीज़ करके दिखाया है, ताकि आपको दूसरी वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े। तो दोस्तों यहाँ पर ये कोडेक T210 ट्राइपॉड है। इसमें अलग अलग वर्जन आता है, 215 भी आता है, लेकिन मैं आपकी इसकी एक खासियत बता दूं कि यहाँ पर जो 210 का आता है केवल उसमें ही मोबाइल होल्डर भी आता है। ये जो आप मोबाइल होल्डर देख रहे हैं, ये अलग से, ये वाला, ये केवल इसी में आता है T210 में। इसके अलावा ये किसी में नहीं आता, अलग से आपको लेना पड़ेगा, 150 से 200 रुपये का अलग से मंगाना पड़ेगा। तो ये वाला जो मॉडल है T210 इसी के साथ आता है और आपने देख लिया। अब मैं इसकी कुछ फीचर्स बता देता हूँ। यहाँ पर जो इसका डिज़ाइन है वो एल्युमिनियम का डिज़ाइन है, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम का मिक्स डिज़ाइन है। और मैं एक एक चीज़ बताऊँगा, क्योंकि मैंने काफ़ी सारी वीडियो में देखा था, मुझे बहुत सारी चीज़ जानने की इच्छा हुई कि क्या चीज़ इसकी प्लास्टिक की है, क्या चीज़ एल्युमिनियम की है, वो इस वीडियो में आपको एक एक चीज़ बताऊँगा। दोस्तों इस ट्राइपॉड का जो वजन है 1 किलो है और कम से कम 3.5 किलो का ये कैमरा या वजन उठा सकता है, यानी इसके ऊपर आप रख सकते हैं। और ये सारी चीज़ें आपके सामने, ये चीज़ें मैं खोल के अभी दिखा देता हूँ, बात करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो इसमें, इस वाले मॉडल में ये है कि मोबाइल फोन होल्डर आता है साथ में। यहाँ पर मैंने एक चीज़ दिखाई थी, सबसे पहले जो आपको चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ वो ये है कि इसका जो पैर है ये एडजस्टेबल है, यानी जैसा भी सरफेस होगा, जैसा भी धरातल होगा, उस पर ये जम जाएगा। ये हार्ड रबड़ है, रबड़ का है लेकिन हार्ड है, मुलायम बिल्कुल भी नहीं है।
दूसरी चीज ये है कि ये जो खोलने वाला होता है ये बहुत जानने की इच्छा होती है कि क्या ये भी एल्यूमिनियम का है। तो दोस्तों ये अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक होता है, ये प्लास्टिक है, ये वाला प्लास्टिक है इसका, ये घुमाने वाला, ये वाला प्लास्टिक है, खोलने वाली जितनी भी चीजें हैं वो सारी चीजें प्लास्टिक की हैं। ये लोहे का है, ये एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम का है, इसके ऊपर ये रबड़ लगी हुई है तीनों जगह, ये मोटा सा आप जो देख रहे हैं ये है रबड़, ये ऐसे सरक भी जाती है, नीचे की तरफ आ जाएगी ये देखिए, और ये नीचे ऐसे भी चली जाएगी। तो ये मतलब ग्रिप के लिए है कि आप इसको ऐसे अगर उठाते हैं तो आप ऐसे ग्रिप बना सकते हैं। ये जो है इसका टांगने वाला, ये भी हार्ड प्लास्टिक है, ये वाला एल्युमिनियम और मैग्नीशियम का कॉम्बिनेशन है, यहां पर ये भी एल्युमिनियम और मैग्नीशियम का कॉम्बिनेशन है, यहां पर एल्युमिनियम और मैग्नीशियम का कॉम्बिनेशन है, ये भी यहां पर भी एक चीज दी हुई है जिससे आपको पता चल सके कि आपका फोन या कैमरा सही पोजीशन में है। ये प्लास्टिक का है ये घुमाने वाला, ये हैंडल के ऊपर प्लास्टिक लगी हुई है लेकिन ये भी लोहे का है, एल्युमिनियम और लोहा मिक्स है, यहाँ पर ये प्लास्टिक है, ये सारा चीज प्लास्टिक है लेकिन हार्ड और अच्छी क्वालिटी के प्लास्टिक है, हाथ में लेते ही पता पड़ रहा है कि ये क्या चीज है। तो इसको मैं थोड़ा दूर से दिखा देता हूँ कि कितना बड़ा है। पहले तो मैं ये दिखा देता पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर एक खोलने वाला होता है ये, लेकिन इसको घुमाने से पहले आपको ये चीज ढीली करनी पड़ेगी, ये थोड़ा ढीला कर लेंगे तो ये घूम जाएगा। अब देखिए मैं इसे उठा रहा हूँ तो इसे आप घुमा सकते हैं, इसको ढीला करे बिना इसको नहीं घुमाएं नहीं तो टूट जाएगा या खराब हो सकता है। अब ये ऊपर आ गया लेकिन इसको आपको कसना पड़ेगा क्योंकि इसके ऊपर अगर वजन रखेंगे तो ये नीचे चला जाएगा, तो ये मैंने कस दिया, तो ये फुल यहाँ पे ये मैंने खोल लिया है। अब मैं आपको इसका फुल साइज दिखा देता हूँ, वैसे बताते हैं ये 6 फीट का है पर देख लेते हैं खुद से, ये जितनी भी जॉइंट है ना ये सारी ही हार्ड प्लास्टिक के हैं। ये मैंने लॉक नहीं किया था इसको मैं लॉक कर देता हूं, तो ये लॉक हो चुका, यह फुल साइज है, फुल साइज। अब मैं आपको दिखा देता हूं दूर से, देखिए ये खड़ा है यहां से, इस तरह से खड़ा है, और मैं थोड़ा सा आपको अब मैं इसके पास में खड़ा होकर आपको दिखा देता हूं। मेरा जो हाइट है पूरी 5'7" की है, 5'7" की, तो ये 5.5 फिट का है, 6 फिट का नहीं है, 5.5 फिट का है, ये फुल साइज मैंने खोल लिया है, तो इससे आप आसानी से कहीं भी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों ये है, ये जो रबड़ का था ये किसी भी सरफेस पे सही से बैठ जाता है, फिर करते हैं, ज़्यादा पतला भी नहीं है, ये जॉइंट सारे प्लास्टिक के हैं, ये जो है हार्ड प्लास्टिक है, ये लोहे की है, ये एल्युमिनियम और मैग्नीशियम की है इसकी, ये भी एल्युमिनियम और मैग्नीशियम की है। तो यहां से इसको कस लेते हैं तो ये आगे पीछे नहीं होगा, इसको फिर खोल देंगे तो ये ऊपर हो जाएगा, जैसा कि मैं अभी आपको दिखा दूंगा। ये चीज इसलिए दी गई है कि आप इस पर कुछ टांग सकें ताकि इसका वजन नीचे की तरफ रहे, और ऊपर अगर 3.5 किलो से ज्यादा का भी कैमरा रख दिया तो वो पलटे नहीं या गिरे नहीं या हवा से पलट ना जाए। तो कोडेक का इस पे लोगो भी है T210, इससे ऊपर जाते हैं तो यहाँ ग्रिप के लिए रबड़ लगी हुई है, ये भी एल्युमिनियम का है, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम का मिक्स है, ये प्लास्टिक का है घुमाने वाला, इसका जब काम खत्म हो जाए तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, ये प्लास्टिक का है, हार्ड प्लास्टिक बहुत अच्छी है। यहाँ पर एक चीज दी हुई है जिससे आप बैलेंस जान सकेंगे, ये भी मैग्नीशियम का है, यहाँ पर
आप देख सकते हैं। ऊपर आप मोबाइल होल्डर में मोबाइल लगा सकते हैं, ये देखिए ये ऊपर भी हो जाता है, ऐसे ऊपर हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा यहाँ पे, तो आप लगा सकते हैं। इसको अगर खोल देंगे, इसको खोल के हटा दीजिए, तो आप इस पे DSLR कैमरा फिट कर सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि इसको जब ढीला छोड़ देंगे तो इसको चारों तरफ घुमा सकते हैं, इस तरह से 360 डिग्री घुमा सकते हैं जब इसको ढीला छोड़ देंगे। अगर इसको कस देंगे तो आप इसको घुमा नहीं सकते 360 डिग्री में। घुमाने के लिए इसको ढीला करना पड़ेगा, और इसको ऐसे है तो इसको ऐसे करने के लिए इसको इसको थोड़ा ढीला करना पड़ेगा। ये घूम जाता है, ये मैंने घुमा दिया तो अब ये ऊपर नीचे हो गया, ठीक है। और इसे जहां इसको कस देंगे ऐसे करके, फिर ये आगे पीछे नहीं होगा, एक जगह फिक्स हो जाएगा। इसके अलावा भी कई सारी चीजें हैं, मैं दिखा देता हूं इस साइड से। ये है, अगर आपको मोबाइल को खड़ा रख के वीडियो रिकॉर्ड करना है, चाहे टिकटॉक पे वीडियो बनानी है, तो आप इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। यहां आप मोबाइल लगा सकते हैं और इसको ऐसे कर देंगे तो ऐसे हो जाएगा। इसको कस दीजिए ताकि ऊपर आगे पीछे नहीं आएगा। तो इस तरह से है ये। अब मैंने यहां पे कैमरा फिट कर दिया है इसमें, इस तरह से। तो यहां पर जब भी आप चाहेंगे तो इसको थोड़ा ढीला कर लीजिए और यहां पे आप घुमा सकते हैं, और अगर इसे आजू बाजू घुमाना है तो इसे ढीला कर लीजिए, तो आप ऐसे घुमा सकते हैं, ठीक है, इस तरह से कर सकते हैं। बाकी इसको कस दीजिए ताकि ये वहां फिक्स रहे। तो इस तरह से आप, बहुत ही ज्यादा शानदार है और हैवी है, भी है।